आज मेरे पढ़ा को तैयार हो जाइए नए टॉपिक के लिए। ये व्यूअर्स डाउट्स का सेशन चल रहा है और जैसे कि मैंने आपसे कहा है, आप कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछिए। आप बीटेक कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप फिजिक्स जहां भी पढ़ रहे हैं, इलेवेंथ में है, ट्वेल्थ में है, यूपी बोर्ड में है, सीबीएसई आईएससी बोर्ड में है, मैं उसे जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। मेरे पास अगला क्वेश्चन आया है यूपी बोर्ड से, वो प्रक्षेप्य गति के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न के अनुसार एक वस्तु को क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से प्रक्षेपित किया गया। आपको उड्डयन काल 30 परास का मान ज्ञात करना है तथा यह भी पता लगाना है कि यह किस वेग से और किस कोण पर पृथ्वी से टकराएगा। तो हमारे पास चार चीजें हो गई, उड्डयन काल पता करना है, परास करना है और अंतिम वेग जिससे यह टकराएगा वो पता करना है, अंतिम वेग और साथ में किस कोण पर ये टकराएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। देखिए बेटा, इस प्रश्न में जो हमें दिया गया है यह है इसका प्रारंभिक वेग। हम सबसे पहले प्रारंभिक वेग के घटक ज्ञात करेंगे क्षैतिज दिशा में और ऊर्ध्वाधर दिशा में। कौन कौन सी दिशा में बेटा? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ये क्षैतिज दिशा को मैं x मान लेता हूं और ऊर्ध्वाधर को y मान लेता हूं। प्रारंभिक वेग का क्षैतिज दिशा में घटक और प्रारंभिक वेग का ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक क्या होगा? त्वरण। इसमें त्वरण कौन कौन से होंगे और त्वरण के घटक क्या क्या होंगे वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा इसमें विस्थापन कितना होगा क्षैतिज दिशा में और ऊर्ध्वाधर दिशा में। देखिए, यह वस्तु जब ये पृथ्वी पर टकराएगी अंतिम समय पर, उससे पहले आप जरा बताइए, प्रारंभिक गति है, प्रारंभिक वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो इसके घटक हो जाएंगे 10 cos 30 और ये हो जाएगा 10 sin 30। अब त्वरण यहाँ पर धरती के कारण पैदा हुआ, गुरुत्वाकर्षण के कारण पैदा हुआ एक ही त्वरण है जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण है जी। ये जी क्योंकि बेटा वाई के विपरीत दिशा में है, ऊर्ध्वाधर अब ऊपर की तरफ ना होकर नीचे की तरफ है, तो ये होगा माइनस जी। इसके अतिरिक्त क्षैतिज दिशा में कोई भी त्वरण ना होने के कारण उसे जीरो लिया जाएगा। मान लीजिए यह एक्स डिस्टेंस पर या आर डिस्टेंस पर, आर दूरी पर जाकर के गिरता है, तो इसकी विस्थापन एक्स दिशा में होगा आर और वाई दिशा में होगा जीरो। सबसे पहले उड्डयन काल की बात करी जाए, उड्डयन काल कैसे निकालते हैं, तो आप फार्मूला लगाइए एस वाई बराबर यू वाई गुणा टी प्लस आधा ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई है जीरो, यू वाई है 5, समय अभी पता नहीं, ए वाई है माइनस जी और जी की वैल्यू है 10, तो माइनस 10 का आधा हो गया माइनस 5 टी स्क्वायर, तो समय आ गया 1 सेकेंड। इसका अर्थ क्या है मेरे बेटा? इसका अर्थ यह है कि ठीक 1 सेकेंड पश्चात ये पृथ्वी से टकरा जाएगा। यह है इसका उड्डयन काल है। दूसरा आता है, तो हमने अभी क्या निकाला बेटा? इसका उड्डयन काल। अब दूसरे नंबर पर हमें इसका पता लगाना है परास। परास का अर्थ उस दूरी से है जिस दूरी पर जाकर के ये पृथ्वी से टकराता है। परास निकालने के लिए हम सारे वो घटक प्रयोग में लाएंगे जो क्षैतिज दिशा में है, यानी कि बेटा एस एक्स यू एक्स ए एक्स टी स्क्वायर। तो एस एक्स क्या है बेटा? क्षैतिज दिशा का विस्थापन। यू एक्स क्या है? प्रारंभिक वेग का क्षैतिज घटक। और ए एक्स क्या है? क्षैतिज दिशा में त्वरण का घटक। टी उड्डयन काल है, तो एस एक्स को हमने रख दिया आर, यू एक्स को रख दिया 5√3, समय हम निकाल चुके हैं 1 सेकेंड और ए एक्स
का मान शून्य है तो बेटा ये हमारा आ जाएगा 5 × 1.732 मल्टीप्लाई करके आप इसे निकाल लीजिए। क्या आ गया यहां पर हमारे पास 5 × 2 = 10, 1 × 5 = 15 पर 1 = 16, 1 × 5 = 35 हासिल का 1 = 36, 3 × 5 = 5 और 3 = 8 यह इसका परास है। अब इनका अगला प्रश्न है कि यह किस वेग से पृथ्वी पर टकराएगा। यदि हमें कभी भी वेग निकालना होता है तो हम दो समीकरण का प्रयोग करते हैं। पहली समीकरण क्षैतिज दिशा के लिए होती है और दूसरी ऊर्ध्वाधर के लिए होती है। सबसे पहले बेटा क्षैतिज दिशा में 5 √3 0 = 1 तो ये हो गया बेटा 5 √3 और यहां क्या आएगा बेटा 5 − 10 × 1 तो ये आ गया बेटा -5। अब आप मुझे बताइए ये क्या बता रहा है कि जो इसका अंतिम वेग है जिससे ये टकरा रहा है उसके दो घटक हैं, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज वाला धनात्मक है क्योंकि वो धनात्मक x की दिशा में है और ऊर्ध्वाधर वाला ऋणात्मक है क्योंकि वो ऋणात्मक y की तरफ है। तो अब आप क्या करेंगे, ये हमें क्षैतिज वाला मिल गया 5 √3 और ऊर्ध्वाधर वाला मिल गया 5। मैंने ऋणात्मक 5 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ऋणात्मक का अर्थ सिर्फ नीचे की तरफ जाने से होता है, मैग्नीट्यूड यानी कि इसका जो माप है वो 5 ही रहेगा। यह है इसका परिणामी वेग। क्या है ये बेटा, परिणामी वेग। अब बेटा परिणामी वेग निकालना है तो आप पाइथागोरस की प्रमेय लगा दीजिए। तो पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार यह होगा 5 √3² और 5² तो इसे आप हल कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको यह कोण भी पता लगाना है कि यह क्षैतिज से किस कोण पर टकराएगा, तो उसे निकालने के लिए हम लोग टेन थीटा निकालते हैं जो आएगा 5/5√3 यानी बेटा 1/√3। तो इससे आपको थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी 30 डिग्री यानी ये 30 डिग्री के कोण पर पृथ्वी पर अवतरित होगा। तो मेरे बेटा आप ये मत सोचिए कि मेरे पास जो हल होंगे वो सिर्फ CBSE या ISC के लिए होंगे। यह एक वर्सेटाइल क्लास बनाने जा रहा हूं। जो पूछो जहां से पूछो, यदि मुझे आता है तो बंदा हाजिर है। फिलहाल इसे फैलाइए चारों तरफ, सब जगह स्प्रेड करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, मेरे से आंसर लगातार मिलते रहेंगे। फिलहाल कहने का समय आ गया है, बाय बाय मेरे पढ़ाकू। पढ़ाकू किस लिए, अंत तक देखा इसलिए।